टोटो खिंचा सकते हो, फोटो बना सकते हो, पर हमें नहीं बनानी क्योंकि हम रियल लोग हैं यार, ये फोटो वोटो बनाने में नहीं करते। घोड़े वोड़े में आ सकते हो आप लोग, घोड़ा है, पालकी है, सब कुछ है, सबके चार्जेस अलग अलग है। देखो रात को भी एकदम चमाचम होता है यार, रात को भी ये तुलसी भोजनालय भोजनालय सब मिलेंगे रास्ते में आपको। ट्रैक देखिए बहुत ही बढ़िया, बच्चे का मुंडन करा सकते हैं, करवा भी रहे हैं शायद, सब कुछ है यहाँ, बैग जमा करवा सकते हैं, सारी सुविधाएँ हैं आपके पास। क्या बात है जी, डिजिटल कार्ड भी क्या बात है। तो दोस्तों यहाँ पर एसटीडी और ये कौन है? हाँ अंकल जी बोलिए, चलो हम चढ़ना शुरू करते हैं। ये रास्ते पीछे टाइप के ना, एक मिनट का 500 रुपए लेते हैं, एक कॉल कर सकते अपने घर वालों को, जय माता दी। मैं तो कर देता हूँ मम्मी को फोन बाकी। देखिए दोस्तों आप सब लोग सच सच बताना, मैं आया ट्रैक में ठीक है, मेरी वजह से इसको दर्शन होने वाले हैं, तो इसने मेरे पाँव धो के पानी पीना चाहिए ना, इस लड़के ने, है ना, मैं कह रहा हूँ मेरे पाँव धो पानी पी। तो दोस्तों हम पहुँच गए बाणगंगा, अभी मेरे लुक और आवाज़ नहीं आ रही तो उसके सॉरी। ये है बाणगंगा, इसकी स्टोरी ऐसी है कि हनुमान जी को बहुत प्यास लगी थी, तो वैष्णो माँ ने अपनी बाण से तीर मारी और यहाँ नदी निकाल ली, फिर यहाँ पर हमारे हनुमान जी की प्यास बुझी और माता ने अपने केश धोए थे। तो चलो बाणगंगा में, अंधेरे में दिखेगा नहीं, आई एम सॉरी वेरी मच, नहीं पानी छिड़क लेंगे ना अपने ऊपर, नहीं है। तो ये है बाणगंगा जो मैंने बताया था, जहाँ हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी और माँ ने अपने केश धोए थे, केश मतलब बाल। ये है बाणगंगा, यहाँ पर हम भी नहाएंगे थोड़ा सा, फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बैग रख के हम जा रहे हैं बाणगंगा की तरफ। हाँ पहले नहा लें, ये देखो हाय बोल दे, बाणगंगा में डुबकी मारने जा रहे हैं हमारे आज भैया, ये गए बहुत ठंडा पानी हो रहा है यहाँ पर बहुत। मैंने तो माली डुबकी, अरे आंसू मार रहा है अब, तो कभी डुबकी मार रहे हो अब, डुबकी मार, डुबकी डुबकी मार, मैंने तो मार दिया। तो ये वो जगह है जहाँ हमारी माँ ने अपने बाल धोए थे, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, अभी रात के 8 बज रहे हैं, और यही वो स्थान है जहाँ हमारी माता रानी ने अपने बाल धोए और हनुमान जी की प्यास भरी। नहा धो के हम रेडी हो गए, चलते आगे। तो हम बाणगंगा से नहा के आगे को चल दिए, अब चलते हैं बाकी ट्रैक, आपको रास्ते में सब कुछ बताते रहूँगा, सब कुछ दिखाऊँगा। जय माता, डरपोक नहाया नहीं है, यहाँ पे जूस वूस सब कुछ मिलता है, तो आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हर चीज़ मिल सकती है आपको। ये देखिए जगह जगह पे मंदिर, बढ़िया बढ़िया जूस लस्सी जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा माता के दरबार में। तो बस आइए पूरी श्रद्धा के साथ, जय माता दी। जगह जगह फ्री के शौचालय आपको मिलते रहेंगे, तो शौचालय की टेंशन नहीं, मत कीजिए आप, बस आइए यार, मन बनाइए एक बार और। जगह पे मसाजर भी हैं, 15 मिनट 50 रुपये, तो आप बैठ के बढ़िया मसाज करवा सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, करवानी करवाओ, नहीं करवानी मत करवाओ। और ये मेडिकल स्टोर भी होते हैं, मेडिकल स्टोर भी होते हैं यहाँ पे, सब कुछ होता है, हर चीज़ मिलेगी। तो ये पहुँच गए हम चरण पादुका, तो माता रानी ने जब भैरव बाबा माता रानी के पीछे पड़े थे, तो फिर माता रानी ने यहाँ पे रुक के भैरव बाबा को पीछे देखा था, वहाँ पहुँचे करते हो, तो माता रानी के पाँव के निशान है यहाँ पे, तो इसको चरण पादुका कहते हैं। जगह तो यहाँ पे है चरण पादुका, इधर फोन नहीं जानते, पर यहाँ पर है चरण पादुका माता रानी के, तो इसके दर्शन हमने कर लिए, तो दर्शन करके चरण पादुका के हम जा रहे हैं आगे को, और ऐसी जगह जगह पर मैं आपको हर चीज़ बताते रहूँगा, बस आप देखते रहिए। देखिए यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी दुकानें मिलेंगी और एकदम सस्ता चाय थाल, ये देखिए छोले भटूरे। जैसे ये ट्रैक है, बीच बीच से सीढ़ियाँ आती हैं, तो हम सीढ़ियों से भी जा सकते हैं ऊपर को, तो एक बार हम सीढ़ियों से जाके देख रहे हैं कैसा है। चलिए तो देखते हैं सीढ़ी से क्या डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन सीढ़ियों में चढ़ना ज़्यादा टफ होता है, पर यहाँ भी आपको सारी दुकानें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा यहाँ भी, ए टू जेड कोई कमी नहीं होगी, तो आपको जिससे भी चलना है चलिए। ये सीढ़ियाँ
ये ट्रैक ना पूरा ऐसे घूम के आते हैं, सीढ़ियाँ सीधे ऊपर आते हैं, फिर जैसे सीढ़ियाँ ख़त्म होंगी फिर मिल जाएंगे। देखिए सीढ़ियों में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, मैं तो वो ट्रैक लो इसमें है 360 सीढ़ियाँ, सब में लिखा होता है कितना कितना, तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप लोग। मेडिकल वेडिकल सब कुछ मिलेगा, तो आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं अपने साथ, बस खाली हाथ आ जाइए और माता रानी का नाम लीजिए और चलते रहिए। जय माता दी। अभी जय माता दी। गन्ने का जूस कितने का है? तो हम रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए, ये दे रहे हैं 30 रुपये गिलास, और हमने बार्गेन लिए 50 से 2 गिलास। तो आप भी बीच बीच में ऐसे जूस पी सकते हो, सब कुछ मिलता है, गन्ने का जूस, स्प्राइट, फैंटा, रेड बुल, पिंक, जो चाहिए आपको सब मिलेगा। तो आराम से रुको, पियो, चलो, रुको, मतलब पिकनिक जैसा हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बस माता रानी का नाम लो, चलते रहो। जय माता दी। देखो सब कुछ है भाई, ये जय माता दी। भाई इस महीने कहा था ना कि स्टार्टिंग में कितनी सारी भीड़ थी, फिर आते आते ना भीड़ ना कम हो जाती है ऑटोमेटिक, लोग थोड़े दूसरे रास्ते जाते हैं, कोई दूसरे कोई बैठ जाते हैं, कोई वो करते हैं, तो देखो हम जैसे चलते हैं उतनी भीड़ नहीं मिलती है, ये 4-5 लोग हैं बस हो गया, भीड़ कम होते जाती है धीरे धीरे करके ऊपर, मतलब लोग अलग अलग रास्ते चलते रहते हैं, कोई सीढ़ी से आ रहा होगा, कोई दूसरे मार्ग से, कोई उससे, तो आपको एकदम बढ़िया रास्ता मिलेगा, बहुत मज़ा आ रहा है जेन्युइनली। एक बार वैष्णो माँ के पास आके देखो, सुखी सुख है। जय माता दी। ऐसे मूर्ख नहीं देखे आपने, उल्टा चल रहे हैं, अब इससे लड़ाई करेंगे। पीछे देख, पीछे देख, शर्म लाज नहीं है इसको, बस जय या डंडा। वॉचमैन था क्या तू? तू वॉचमैन है ना? ये वॉचमैन था पहले। अच्छा अच्छा मित्रगण, ये देखो आपको रास्ता समझाता हूँ मैं कैसा होता है। ये देखो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी सीधे यहाँ पहुँचाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे, और ये रास्ता आपको वो घूम के ये आना पड़ेगा, तो और सीढ़ी ये देखो सुई यहाँ पे, तो आप चुन सकते हैं आपको किस में जाना है। ये देखो ये इतना लंबा जाएगा यहाँ से, ये देखो सीढ़ी चलना। दोस्तों अब यहाँ हो गए, आपको सिर्फ एक चीज ये थक चुका है, अब ये मर मर के चल रहा है। आपने ना चारों दिशाओं में देखना, देखो कहीं भी घोड़े आ जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। तो आपने ना अगर आप ऐसे चलोगे ये घोड़ा काट देगा आपको, तो साइडों पे चलो। ये देखो पैर काम नहीं कर रहे इसके, घोड़े से बच के चलना है, और पालकी वाले आ जाते हैं कभी, तो सबसे बच के रहना है। और आपके दोस्तों हो रहा है डंडे से मारो, हैया अब ये हो गया तिरछा। अगर मैं थोड़ा अभी आशु को काट दिया, अगर मैं थोड़ा तेज चलूंगा तो इसकी हालत हो जाएगी टाइट। दोस्तों जय माता दी। छोटे घोड़े से बस ना काट देते हैं, घोड़े पूछ से मारते हैं, अभी आशु को एक ने पूछ से मारा था, इसके बड़ा दाग है। मैं तो ऑलवेज वांटिंग टू यू क्या बात है, भाई थोड़ा तेज चलो। ये देख हैया हैया जय माता दी, हैया हैया। नीचे कटरा का व्यू, ये है कटरा, कितना सुंदर लग रहा है। अरे आके देखो भैया, कहाँ घर बैठे हो, मजे लो, आ जाओ। जय माता दी। देखो यहाँ अमूल कैफे, ये सब कुछ सब मिलेगा आपको, मसाओ तो सही ट्रैक में सब रखा है आप लोगों के लिए यार, देखो आओ बस। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर है अर्धकुंवारी, और यहाँ से माता रानी का भवन है, तो अर्धकुंवारी हम आते हुए देखेंगे, वहाँ भी बहुत भीड़ होती है, और उसके लिए 6.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा हमें, यहाँ से 1 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा, तो हम यहाँ से जाएंगे माता रानी के लिए अर्धकुंवारी में। ये वो तो दोस्तों जो अर्धकुंवारी में गुफा है, वो गुफा में माँ 9 महीने तक रही थी, जब भैरव बाबा ने ढूंढने आए थे, तो माँ 9 महीने तक उसी गुफा में रही थी, वो गुफा में आते हुए दिखाऊँ। क्योंकि यहाँ से आप लोग गाड़ी का कर सकते हैं, अगर यहाँ से आप चल नहीं पा रहे हैं, ये देखिए गाड़ी का रेट है, यहाँ से टिकट लोगे और आगे गाड़ियाँ हैं। माता जी की जय जयकार। ये बैटरी वाली गाड़ियाँ, इसमें आप जा सकते हैं वहाँ से लेके, यहाँ से बस थोड़ा ही बचा है माँ के घर जाने के लिए, बस हम माँ के घर पहुँचने वाले हैं। जय माता दी। पानी की फ्री सेवा है, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, गर्म पानी भी है, और नेस्कैफे कॉफ़ी है, कैफे कॉफ़ी डे है, जो चाहिए आपको मिलेगा। ये देखिए प्राइस भी उतनी है, कॉफ़ी 20 रुपये की है,
हॉट कॉफ़ी 25, कोल्ड कॉफ़ी 60, स्ट्रीट फिश देख सकते हैं आप लोग, सस्ता ही है। हल्का अब हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये हम दोनों थक गए, थोड़ा सा बचा, बस एक मोड़ बाद आपको मैं जन्नत दिखाऊंगा। जन्नत बोले तो माता रानी का भवन, जय माता दी। हम अभी रुके हैं सैंडविच खाने के लिए, कॉफ़ी अच्छा है, सिर्फ 50 रुपये का है, यहाँ हर चीज़ जेन्युइन मिलेगी, सस्ती मिलेगी। और फिर उन्होंने यार देखो प्लीज़ ड्रिंक द बैग, यू आर हैप्पी टू द सर्विंग एकदम है दोस्तों। बारिश होने वाली है, ये देखो बंदर कितने प्यार से सोए हैं, है ना, फैंसी ड्रेस में है, दिखा अपना पीछे दिखा, ये देखो बैटमैन है, बैटमैन बन रहा है, पागल हो गया लौंडा। बारिश शुरू हो गई है और अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है, हम भीग रहे हैं। जैसे ना ये देखिए, ये जो याले भोजनालय होते हैं ना, जिसमें ये होगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड माता रानी वाला होता है, तो इसमें देखो काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाते हैं, 7 रुपये की चाय, कॉफ़ी 15 रुपये, राजमा चावल 45, राइस कड़ी, तो ये काफ़ी सस्ता होता है। ये मतलब श्राइन बोर्ड यहीं का है माता रानी लोगों का, तो इसमें सब सस्ता मिलता है भक्तों को, तो आप अगर आओ तो श्राइन बोर्ड वाले होटल में ही जाना, वो सस्ता मिलेगा आपको और बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आपको मैं अब जन्नत दिखाता हूँ, यार जन्नत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे हो, ये है माता का भवन, बस इतने ही बताए, इतना दूर है भवन मुझसे, ये भवन जन्नत है, जन्नत पहुँच गया मैं तो। आप लोग भी आओ इस जन्नत में, क्या दिख रहा है, तो ये है पिट्टू का रेंट, आप देख सकते हैं कुमार, तो ये है चार्जेस इन सब के, ये देखो यार स्वर्ग फिर से देख ले, यहाँ से दिख रहा है, ओह ओह हाय दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए, वो है माता रानी का भवन, अरे यार मतलब मज़ा ही आ गया यार, मज़ा आ गया, क्या सारे भवन है रुकने के, हम अभी देखते हैं कहाँ पर रुकते हैं, काफ़ी सारे हैं, और ये यहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं, ये है प्रसाद वाली शॉप, यहाँ से प्रसाद लिया जाता है, तो हम प्रसाद ले लेते हैं पहले यहाँ से, और यार मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया यार। ये शायद तबीयत ख़राब हो गई है, तो जय माता दी, आ जाए आप पूछ लेते हैं एक बार, यहाँ पर माता रानी के फ्री अकोमोडेशन है, यहाँ मतलब आपको अंदर बेड कम्बल मिलेंगे 100 रुपये के, मतलब 100 रुपये का कम्बल मिलेगा, और फिर जब आप वो कम्बल लौटाओगे तो 100 रुपये वापस हो जाएंगे आपके, हाँ, और ये कहीं भी आप ही लगा के सो सकते हैं आराम से। यहाँ पर भी मिलता है प्रसाद, 100 रुपये का नारियल वाला, बिना नारियल 50 रुपये का, तो प्रसाद लाने की ज़रूरत नहीं, आप वहीं से प्रसाद ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है, माता रानी का सब कुछ, तो ऐसा है, आगे आगे जो होता है हम आपको बताते रहेंगे। जय माता दी, फुल रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं, माता रानी, मज़ा आ जाएगा कल आरती में, हो कल आरती में दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि फ़ोन नंबर अलाउड नहीं है। तो अगर आपको आरती करनी होगी ना, तो ये दुर्गा भवन है, यहाँ से पर्ची होती है, यहाँ से हेलीकॉप्टर टिकट, आरती, हर चीज़ आप यहाँ से बुक कर सकते हो दुर्गा भवन से, और यहाँ पे आराम से सोते हैं सब लोग, ये सब लोग सोते भी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं सब कुछ, सॉरी सॉरी, तो ऐसा है, बढ़िया है, जय माता दी। और यहाँ पर भोजनालय है नीचे खाने के लिए, एकदम बढ़िया, और ये दुर्गा भवन हमारा, आपको बेड मिल सकते हैं, नहीं बात मान, 150 रुपये का बेड है, मैं लेके आके दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से यात्रा पर्ची ले सकते हैं, आप लोग कंबल ले सकते हैं, 100 रुपये में कंबल मिलता है, और हमने रूम लिया है, तो हमारा रूम है 4th फ्लोर में यार, 3 डॉर्मेट्री, यहाँ कंबल लाओ, बिछाओ और सो जाओ,
ये है फ्री डॉर्मेट्री, ये अपने हिसाब से आओ, कंबल लगा के सोचो, और ये लॉकर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, लॉकर में रख लो सामान और फिर जा सकते हो, ये फ्री वाला है। चल अपना डी 108 107 काफ़ी अच्छा है, पंखे दे रखे हैं, सब कुछ दे रखे हैं, बढ़िया है डॉर्मेट्री, रेट बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ गया, रूम बहुत अच्छा है, डॉर्मेट्री बहुत ही अच्छी है। तो आके आप दुर्गा भवन में कभी भी आइए, इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, ऑफलाइन होती है, तो आप आइए दुर्गा भवन में बैठिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा दुर्गा भवन में, रूम बुक आपको सब कुछ बुक, और ये है वॉशरूम पुरुष सब कुछ। गाइस बहुत ही अच्छा बना दिया है, मतलब मज़ा आ गया समझो, ये देखो कितने अच्छे वॉश बेसिन है, सब अच्छा पानी आ रहा है, यहाँ देखो गीज़र देखो, और ये नहाने के लिए देखो, यहाँ टांगो कपड़े, यहाँ नहाओ आराम से, प्लीज़ ये देखो यार कितना अच्छा है यार, जय माता दी, बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, सच में मज़ा आ गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया। ये देखो पानी का फोर्स, जय माता दी। कल सुबह हमें कितने बजे, 4-3 बजे नहाना है, 4-5 बजे से हमारी आरती शुरू, आरती मज़ा आएगा, चलिए।